नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में भाजपा ने 2 सीटें हासिल कर अपनी साख तो बचा ली है, लेकिन उसके मत प्रतिशत में लगभग आधे की गिरावट दर्ज की गई है। ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। यदि सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित तिथि सितंबर के पहले विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो बेहतर प्रदर्शन करना चुनौतीपूर्ण होगा। कांग्रेस का भी मत प्रतिशत घटा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 की तुलना में भाजपा का मत प्रतिशत लगभग 22% घटा है। अभी पार्टी को 24.36% मत मिले हैं, जबकि 2019 में 46.39% मिले थे। भाजपा अपनी दोनों सीटें उधमपुर और जम्मू को बचाने में कामयाब रही। कांग्रेस उधमपुर और जम्मू में मैदान में थी, दोनों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। उसे 19.38% वोट मिले हैं और 2019 की तुलना में उसे लगभग 9% का नुकसान उठाना पड़ा है। कश्मीर आधारित पार्टियों के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। नेका को लगभग 15 और पीडीपी को 5% का फायदा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भले चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्हें 22% मत मिले हैं, जो पिछले चुनाव में लगभग 8% थे। पीडीपी को इस बार 8.48% मत हासिल हुए हैं, जो पिछले चुनाव में 3.40% थे। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर हरिओम का कहना है कि मत प्रतिशत गिरना भाजपा के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, उन्हें इसके कारण तलाशने चाहिए और जम्मू से जुड़े मुद्दों पर अपने को केंद्रित करना चाहिए ताकि वह पुरानी स्थिति को प्राप्त कर सके। बारामूला सीट पर अंतिम समय में ताल ठोकने वाले निर्दलीय उम्मीदवार और तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद के चुनाव चिन्ह कुकर का प्रेशर ना बा पाने से उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन को हार का सामना करना पड़ा। रशीद की जीत में नेका के गढ़ वाले 5 में से 4 क्षेत्रों के मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई। इन हलकों में रशीद को दोगुने के करीब वोट मिले। लोकसभा चुनावों के 4 जून को नतीजे घोषित हुए। कश्मीर संभाग की 3 लोकसभा सीटों में सबसे दिलचस्प सीट बारामूला लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद की सुनामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और दिग्गज नेता उमर अब्दुल्ला की नैया को डुबो दिया। इतना ही नहीं, इंजीनियर रशीद की सुनामी ने तो उमर के कुछ ऐसे वोट बैंक वाले क्षेत्रों में सेंध लगाने में सफलता हासिल की जिनको जानकारों के अनुसार तोड़ना या सेंध लगाना किसी ने सोचा भी नहीं था। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत सभी नव निर्वाचित सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है। इस बीच अटकलें हैं कि शिवराज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी 30 जून को खत्म होने वाला है। इस वजह से शिवराज को अध्यक्ष बनाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। भले ही भाजपा को अपने दम पर बहुमत ना मिला हो, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। सरकार बनने की तैयारियों के बीच भाजपा ने अपने सभी नव निर्वाचित सांसदों को दिल्ली तलब किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। खबरें ये आ रही हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक होनी है। इससे पहले भाजपा की गुरुवार को बैठक प्रस्तावित है। इसमें मध्य प्रदेश से चौहान, डॉक्टर यादव समेत बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। 1984 के बाद ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में किसी एक पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर जीत हासिल की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8.21 लाख वोट से जीत हासिल की। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत 1.52 लाख मतों से हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रीमो शिनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान छाए हुए हैं। शिवराज ओबीसी हैं, मोदी से 8 साल युवा हैं, खाटी संगी हैं,
मोदी सिर्फ 1.5 लाख से चुनाव जीते जबकि शिवराज 8.21 लाख से जीते हैं। दिल्ली का मौसम बदल रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान परिवक्त नेता हैं, विधानसभा चुनाव की जीत का भी कारण रहे थे, आरएसएस के प्रिय हैं, कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 66 और लोकसभा चुनाव में 0 करने के मुख्य किरदार हैं। पूर्व सांसद उदित राज ने लिखा कि देश हित में राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम बनना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो अखिलेश यादव या चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए, भाजपा का पीएम नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान बने। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छठी बार विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। वह 7 बार विधायक और प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को सभी 29 पर जीत मिली है। इसका एक कारण शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना को भी बताया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की विनम्रता उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि भाजपा के साथ साथ विपक्ष में भी उनके मुरीद नेताओं की कमी नहीं है। सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के शिवराज को जनता ही नहीं विपक्ष के नेता भी पसंद करते हैं। परिसीमन के बाद 2021 में अस्तित्व में आई श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में ही पहले चुनाव संपन्न हुए हैं। पहले ही चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने धमाकेदार जीत हासिल की है और इतिहास बना दिया है। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में कुल 55,712 मतदाता हैं, जिनमें से 44,273 वोट मतदाताओं द्वारा डाले गए हैं। जम्मू रियासी लोकसभा क्षेत्र के साथ ही जिला रियासी की अगर हम बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक वोट पड़े, यानी कि वोट प्रतिशत 79.73% रहा और घोषित लोकसभा के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने, यानी कि दोनों ने कुल 41,906 वोट हासिल किए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने 27,838 वोट जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार रमन बल्ला ने 14,068 वोट हासिल किए। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर को 13,770 अधिक वोट प्राप्त हुए। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक मोर्टार शेल में विस्फोट होने से 3 लोग घायल हो गए। हादसे में अब एक महिला की मौत हो गई है जबकि अन्य 2 की हालत स्थिर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में खुले मैदान में 27 मई को अचानक से विस्फोट हो गया। इस धमाके की वजह से 3 लोग घायल हो गए थे। मोर्टार शेल विस्फोट में घायल हुए 3 लोगों में से 76 वर्षीय महिला की बुधवार को एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। पुरमंडल क्षेत्र में खड़ा मदाना गांव में जंग लगे मोर्टार शेल के फटने से समरू देवी, रमीत सिंह उम्र 66 वर्ष और सूर्या बीबी उम्र 58 घायल हो गए थे। समरू देवी के सिर में गंभीर चोटें आई थी और बुधवार तड़के यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई। वहीं 2 की हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि कानूनी और चिकित्सिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका शव उनके रिश्तेदार को सौंप दिया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी श्रीनगर में सोशल मीडिया पर डाली गई आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। मामले को लेकर गुरुवार को जीएमसी श्रीनगर प्रशासन ने स्नातक कक्षाओं के क्लासवर्क को 8 जून तक स्थगित करने का आदेश दिया है। साथ ही सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। दरअसल बुधवार को एक गैर स्थानीय मेडिकल छात्र द्वारा आपत्तिजनक एक पोस्ट को लेकर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन हो गया। अधिकारियों ने बताया कि जीएमसी श्रीनगर के कई छात्रों और जूनियर डॉक्टर ने उक्त मेडिकल छात्र के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने गैर स्थानीय छात्र को अपमानजनक चित्र हटाने के लिए 3 घंटे का समय दिया था लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि स्पीड पोस्ट से धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है। जम्मू व कश्मीर पुलिस तमाम मजहब मजाहिबों से वाबस्ता सभी मामलों के बारे में न सिर्फ हसास है बल्कि मजहबी मामलात का मुकम्मल एहतराम भी करती है और इन मामलात में जिनका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से होता है और भी ज्यादा सेंसिटिव या मुखलिस रहती है। और हम किसी भी तौर पे इस बात की इजाजत नहीं दे सकते
कि कोई फर्द या अशखास किसी भी मजहब या फिरके से वाबास्ता अकीदों और मामलात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इस मामले में जो कि हाल ही में जीएमसी श्रीनगर में पेशरफ आया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई अंजाम दी है और केस दर्ज करा है, जिसकी बाजाब्ता कार्रवाई जारी है। मैं आपकी वसादत से आवाम को यह पैगाम भी देना चाहूंगा कि कुछ चंद शरपसंद अनासिर के फैलाए रूमर या मिस्चिफ से बाखबर रहें और कोई भी अफवाह को ना फैलाएं। अगर कोई भी इसकी खिलाफ अर्जी करते हुए पाया गया और लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशू को अंजाम दिया गया तो जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करने में कासिर नहीं। जम्मू में गुरुवार सुबह की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई, हालांकि बुधवार को हुई बारिश के बाद मौसम में बीते दिनों की तुलना में कुछ राहत भरा रहा। दूसरे पहर की ओर बढ़ते हुए तेज धूप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि गुरुवार प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, इसके साथ ही कुछ स्थानों पर थोड़े समय के लिए मध्यम से तीव्र वर्षा हो सकती है। शाम के समय गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने के आसार हैं। 7 से 8 जून को दोपहर के समय कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 9 से 15 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 7 दिनों में मौसम पिछले दिनों 20 की तुलना में कुछ राहत भरा होगा। जम्मू बीते दिनों लगातार जम्मू का पारा 40 डिग्री से ऊपर ही चल रहा था। अमरनाथ यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे मरम्मत कार्य के लिए वीरवार की रात बंद रहेगा। इस दौरान रामबन से बनिहाल के बीच मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे पहले बीते सोमवार की रात भी हाईवे बंद रखा गया। 29 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 17 स्थानों को तत्काल मरम्मत के लिए चुना गया था। इसी के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सिफारिश पर वीरवार की रात हाईवे पर यातायात बंद रहेगा। वीरवार शाम 7 बजे से उधमपुर के जखैनी चौक और जम्मू के नगरोटा से शाम 6 बजे के बाद घाटी की ओर जाने वाले वाहनों को रोक दिया जाएगा। शाम 7 बजे से ही काजीकुंड से रामबन उधमपुर की ओर जाने वाले वाहनों को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार सुबह मरम्मत कार्य पूरा होते ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा। SSP ट्रैफिक रोहित बस्कोत्रा ने बताया कि यात्रियों को मरम्मत कार्य के कारण यात्रा से परहेज करना चाहिए। शुक्रवार सुबह यातायात पुनः बहाल कर दिया जाएगा। बारामूला सीट पर शेख अब्दुल रशीद और अंजुमन राशिद की जीत होने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उनकी रिहाई की बात कही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत सरकार को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए और इंजीनियर रशीद को रिहा कर देना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि केंद्र को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए और जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जेल में बंद राजनेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को रिहा करना चाहिए। इंजीनियर राशिद जो आतंकवाद के वित्त पोषक के मामले में जेल में है, जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत के रूप में उभरे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट पर 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया। मुफ्ती ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संसद चुनाव जीतने के लिए मियां अल्ताफ आगा रहुल्ला इंजीनियर राशिद और हनीफा जान को हार्दिक बधाई। भारत सरकार को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए और इंजीनियर राशिद को रिहा करना चाहिए। पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तजा मुफ्ती ने भी राशिद की रिहाई की मांग की जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। फोरम के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता मौलवी फरीद मलिक ने गरीबों की सेवा के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी पुंछ अब्दुल रहीम मीर और उनकी टीम की सराहना करने के लिए आज एक प्रेस वार्ता की। चाहे वे विकलांग पेंशन भोगी हों, बुजुर्ग हों या किसी प्रकार के पेंशन भोगी हों, रहीम मीर और उनकी टीम ने पुंछ के लोगों की सेवा के लिए एक सराहनीय प्रणाली स्थापित की है। मौलवी फरीद ने जिले में रुके हुए पेंशन मुद्दों को संबोधित करते हुए DSW के प्रयासों पर प्रकाश डाला और पुंछ के लोगों के लिए भविष्य में और सुधार की आशा व्यक्त की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम गूंगे बह रहे हैं। हम अपना हक लेना जानते हैं। हमारा तब किसी ने नहीं पूछा, तब हमने यहाँ पे जब हड़ताल की तो तब किसी को हमारा ख्याल नहीं आया कि हमारी कोई स्टोरी लगाए, हमारा कोई आवाज बुलंद करे। तो आकर 3-4 लोग, आप कुछ लोग जो वो पकड़ के स्टोरी बाजूर के जी आज पेंशन नहीं मिली, 2 महीने से पेंशन बंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो हमारे ऑफिसर जो है मेहनत कर रहे हैं और हम खुद रास्ते में
सेक्रेटरीट में, जब 8 महीना नहीं मिली तो तब आपने हमारी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? तो कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मजदूरों का नाम लेके ऑफिसर को ब्लैकमेल करते हैं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं चाहेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा मजदूर खुद बात करे ऑफिसर से, मजदूर किसी से कम नहीं है, वो इस अहल है कि वो ऑफिसर से भी और डिप्टी कमिश्नर से भी मिले, वो बाजरिया फ़ोन से भी बात करे। तो मैं अपने मजदूर अफराद को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी कम नहीं है, जब कहीं प्रॉब्लम आती है आप महकमा से रब्ता करें, जब नहीं आती है, जब कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मुझसे आप बात करें। इंशाल्लाह मेरी जदोजहद अपने मजदूर तबका के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने इलाका के लोगों के लिए हमेशा है। तो मैं चाहूँगा कि महकमा सोशल वेलफेयर जिस तेज़ी के साथ काम कर रहा है आगे भी करे। हमारी दिक्कतें बहुत हैं, हमारी पेंशन बढ़ाने की बात है, गवर्नमेंट से लगातार कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, अभी भी हमारे कुछ मजदूर तबका जिनको स्कूटियां फराहम की जाए हम उसकी भी डिमांड करते हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो ना के जिला लेवल पे बल्कि वो हकूमती लेवल पे, तो हम इंशाल्लाह आगे भी ये इलेक्शन के दौर में हम नहीं अपनी बात को उठा सके, अपने मुतालबात जो मनवा सके, आइंदा आने वाले वक्त में हम ज़रूर अपना आपको स्ट्रांग करके स्टेट तक, दिल्ली तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने में अपना रोल जो है वो खुद अदा करेंगे। शुक्रिया। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए।